أشهد أن علي ولي الله أركان الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

चौथी रखता है ईशा की आप रुकू से पहले मन अद रखा रुकू पा लिया आपने तो जमात का सवाब मिल गया रुकू तक लेकिन इमाम जमात ने सलाम दे दिया अब आप जमात तो मौजूद है लोग वैसे ही हैं लेकिन आपने जमात को इदराक नहीं किया मन अद अदरखा लिलातुल्कद्र जो ललातुल्कद्र को पा ले पा लेने का मतलब क्या मिल जाए उसको यह हमें रिवाज में सब मिलता है तो मन अदरका योम अरफा जरफे के दिन को पाले लेब्र इमाम हुसैन के पास तो लिहाजा अदरक का मतलब क्या है पा लेना हासिल कर लेना अच्छा अवतार अमा तलबु अवतार निकला वितर से वितर का मतलब क्या है यानी उनका ख़ून और जो किसी ने किसी का ख़ून कर दिया तो आपने जाकर उसको सज़ा दे दी या उससे पैसे ले लिए तो आपने उस खून को हासिल कर लिया तलबु जिस चीज़ को तलब कर रहे थे मुसलमान तलब कर रहे थे किस चीज़ को अवतार को अवतार कहते हैं उस खून को जो बह गया सही लेकिन उसको तलब कर रहे भाई हम पर जुल्म हुए हैं ओहद में मारा गया हमको जुल्म हुए इतने सारे इसका बदला लेना है हमको तो अमीर मोमिन ने उन सब चीज़ों का बदला लिया जो को कुफार को शिकस्त हुई जो काफिर हारे जंग के अंदर जंगों में शिकस्त हुई वो किस वजह से हुई तलब कर रहे थे सब मुसलमान मिलके के कि इन्होंने हमको ओहद में कत्ल किया बदर में भी खैर जीते मुसलमान लेकिन कत्ल किया हमको अजियतें दी ईज़ा रसानी की एक कोई चीज़ नहीं ज़रूरी नहीं है कत्ल करने की बात हो रही है यहाँ पर कत्ल करना भी शामिल है उसके अंदर तो अब मुसलमान बदला लेना चाहते हैं कैसे बदला लिया जाए काफरों को कमज़ोर करके मुनाफिकों को कमज़ोर करके किसने कमज़ोर किया काफरों को किसने जंगें जितवाईं अमीर ममिन अदरकता पा लिया आपने किसको अवतार को वितर को उन खूनों को जो बहाए गए थे वो खून जो बहाए गए थे उनको आपने पा लिया कौन से खून माता-लबू, जिसको तमाम मुसलमान ढूंढ रहे थे भाई हमें बदला चाहिए हमें बदला चाहिए ढूंढ रहे थे सब अमीन नौमिन ने तलब किया और माजरत पा लिया व नालुबे का मालम यह तस्बु और जो ममिन कहिए मुसलमान कहिए वो पहुँचे वहाँ तक जिसका उन्होंने हिसाब किताब भी नहीं लगाया था लम या तस्बु का मतलब क्या है हिसाब नहीं किया था मालम यह या तस्बू यानी नालू नालू मुसलमान पहुंचे वहां तक कि जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था यानी बहुत सारी कामयाबियां अमीर मुमनिन की वजह से उनको नसीब हुई वरना अगर जनाब अमीरमुमन नहीं होते तो ये मुसलमान उन कामयाबियों उन के बारे में पहुंचना तो दूर सोच भी नहीं सकते थे कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे कोई सोच भी नहीं सकता था कि मरहब ऐसे उसको जमीन पर गिरा दिया जाएगा अमरबना अब्दबुद क़िला जो कमूस था खमू के बाद जो दूसरा किला फ़ता हुआ है खैबर में कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी आसानी से किले के अंदर चले जाएंगे लोग मुसलमान मौला ने दरवाज़ा उखेड़ा खंदक में रखा तो सब लोग उससे होते हुए गए लिहाजा जंगों के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें अब उसके बाद जब रसुल खुदा चले गए तो फिर अमीर मोनिन ने हिदायत जो की फिर अपनी ज़मान खिलाफत में जो हिदायत की जो खुतबे दिए उसके ज़रिए कौन कहाँ तक पहुँचा यानी मीसम फ़र्ज़ कीजिए कि अगर हम शामिल कर लें वहाँ तक पहुँच गए जहाँ मीसम ने सोचा भी नहीं होगा फ़र्ज़ कीजिए कि सलमान फारसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ मीसम तम्बार ने सोचा होगा कि ग़ुलाम थे कि मुझे कुरान की तफसीर गायल आ जाएगा और वो भी कौन सी तफसीर अब्दुल्ला अपने अब्बास जैसी हस्ती आकर बैठे ये तो ख़ास असाब के बारे में मुसलमान जो आम थे उनके बारे में कह सकते हैं कि दुश्मन को इस तरह से दूर किया अब ने अब्दव को मारा मरहब को मारा वो सोच भी नहीं सकते थे कि इतने बड़े बड़े दुश्मन ख़त्म हो जाएंगे इस जगह तक हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम पहुंच जाएंगे हम सोच भी नहीं सकते थे कि मक्का मदीना के बाद खैबर तक हमारी हुकूमत हो जाएगी ये मुसलमान नहीं सोच सकते थे तो नालू पहुंच गए मुसलमान वहां तक जिसका उन्होंने सोचा भी नहीं था अब कुंत अल के अदाबन सबन व नहबा अमीर अमीन आप काफ़रीन के लिए एक अजाब थे सब्बा रजब को रज़बुल असब भी कहा जाता है रजब को कहा जाता है रज़बुल असब क्यों कहा जाता है रजब को रज़बुल असब इसलिए कि इसमें मखफ़रत एक बौछाड़ काफ़रों पर वो अजाब थे कि जो बौछार की सूरत में आकर गिरता था सही बदनाहबा नहबा नहीब कहते हैं कि जब आप किसी को अगर इस तरह से मुतनब करें उसको रोकें कि वो डर कर रुक जाए तो ये भी एक सिफत है कि बहुत सारी चीज़ें जो काफिर जिससे रुके जो साजिशों से जिनसे रुके वो वो वजूद अमीर मन का था एक तो एक अब कायन ख़ुद एक अजाब की तरह गिरते तो उन पर आकर और दूसरा कि वजूद जो था वो इस तरह था कि काफिर काफिर और मुनाफिर जब देखते थे तो बहुत सी साजिशों की वजह से रुके रहते थे और वो काम अंजाम नहीं दे पाए वज ममिना आमदन व हसना काफिरों के तो अजाब थे जो मैंने बताया और ममिन के जो सुतून थे और मजबूत क़िला एक तो जनाब अमीर ममिन को यहाँ पर कहा गया किला हसन और दूसरा आ गया उमूद यानी सुतून यहाँ उमूद नहीं कहा गया यहाँ एन मीम दाल अम कहा गया ममनिन जो खड़े रहे अपने मकाम पर रसूल खुदा के बाद और रसूल खुदा से पहले उनका ईमान अपने मकाम पर था वो आपकी वजह से थे तो अमूद यानी सुतून व हसना मज़बूत थे यानी ममिन को जब पनाह चाहिए होती है एक तो ये कि सर्वाइवल किस तरह का शख्सियत को बचा कर रखा सुतूनों के ऊपर दूसरा ये कि किले में आप कब आते हैं जब दुश्मन से आपको बचना हो लिहाजा मौला कायनत ने अमीन मुबिन सलाम ने सतून भी थे और मजबूत क़िला भी थे कि जिसने मुमिन को बचा कर रखा था बिल्कुल जिस तरह से परिंदे की अगर मिसाल ने परिंदा अपने परों के नीचे तमाम अपने बच्चों को अपनी औलादों को लेकर रखता है कि उनको कोई गुजंद और कोई नुकसान ना पहुँचे लिहाजा एक मजबूत क़िले की तरह थे जनाब अमीर मुमनिन अब जो अगला लफ्ज़ है वह है फितरत से एक तो यह है फिरता वल्ला बेनामाय हा फ़तिरता इसको पढ़ेंगे आपको खल किया वल्लाह खुदा की कसम बे उसकी नेमतों के साथ किसकी नेमतों के साथ और किस नेमत की बात हो रही है यहाँ पर उलमा ने फरमाया कि यहाँ पर बात हो रही है ख़िलाफत और इमामत की यानी अली इब्न अबी तालिब को जो खल किया गया वो खिलाफत और इमामत की नेमतों के साथ खल किया फिरता बिना हा जो नमतें किसी के वजूद में होनी चाहिए क्या नेमत शुजात सखावत इल्म पाकिजगी तहारत फा आपकी फ़ितरत को खल किया गया था पैदाइशी इमाम थे मैंने आसान अल्फाज करने के लिए कहा है वरना इसके ऊपर कलामी और बहुत सारे एहत सवाल आ सकते हैं मैं आसान करके बताना चाह रहा हूँ जब आपको खल किया गया आपके वजूद को अपनी पूरी गहराई के साथ तो इमामत और खिलाफत की सिफात देकर करतब किया गया ठीक है बिना हा हा पलटेगा इमामत और खिलाफत पर अच्छा फुसता बेहबाए हा और या अली खिलकत हुई आपकी क्रिएशन कैसे तमाम की तमाम इमामत और खिलाफत खिलाफत की सिफतों के साथ आपके अंदर मौजूद थी सीखा नहीं आपने किसी मकतब में जाकर रसूल खुदा के पास गए वो एक अलग गुफ्तु है हमें उस तरफ नहीं जाना उसका जा, उसकी वो एक अलग गुफ्तु हो जाएगी और वो बिल्कुल सही टकराती यहाँ पर एक तो ये कि किलकत हुई इस तरह से वह फुस्ता बबा हा यानी कि सिफात को लेकर बैठ गए सिर्फ़ फुसता बबा हा वो जितने भी तोहफे थे जनाब अमीर को मिले उसके ज़रिए अमीर लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए यानी अगर खुदा ने सिफत दी थी तो उसके जरिए आगे पहुंचे आप निकल जाते हैं ना जब पुकार रहा था कोई तो जो तोहफे खुदा ने आपको दिए थे ना इमामत के खिलाफ़त की सिफात के उसको लेकर आप निकल गए आगे फुसता कामयाब हो गए पहुंच गए उस मकाम पर जो आपको आपका मुकाम मुखा, मकाम था वह आहरस्ता सवाबिक कहा आहरस्ता एहराज कर लेना पा लेना एहराज यानी हासिल कर लेना यानी जितनी भी चीज़ों का दखल था उसको आपने पा लिया जो नफसानी अखलाक होते हैं रूहानी कमालत हैं बदनी आमाल हैं देखिए खिलाफत और इमामत के लिए सिर्फ इस बात की ज़रूरत नहीं होती ना कि इंसान जंग करे कि बहुत बेहतरीन इंसान पहलवान है जिसमानी ताकत की ज़रूरत है ठीक है रूहानी कमालत की ज़रूरत भी है कि नहीं है, है। बदनी ताकतों की ज़रूरत है कि नहीं है है इबादतों की ज़रूरत है इबादत कितनी करनी है तवसल करना है खुदा से खुदा की बारगाह में सर झुकाना है रूही कमालत होने चाहिए आपके पास रूहानी क्यों रूहानी कमालत होने चाहिए क्योंकि आपको फैसले ऐसे करने होंगे अगर रूह कमज़ोर होगी तो आप वो फैसले नहीं कर सकते वजह था बेफजाय और जितनी भी फजीलतें थीं आपकी वह जो ख़ास थीं आप उनको लेकर चले गए या आपने उन पर कब्जा कर लिया या आपने उन पर अपनी ग्रोफ्त को मजबूत कर लिया यह माना हो सकता है लम फल्ला या फल्लो का मतलब क्या है फल्ला या फल्लो फल्ला इसका पास्ट टेंस से माजी है या फल्लो इसका मुज़ारे है जब आपने देखा होगा कि आरी से काटा जाए किसी चीज को लोहे को या लकड़ी को तो उसका बुरादा गिरता है ठीक है जब बुरादा गिरता है उसका तो उसको कहते हैं फल्ला या फिल्लो। लम तफल हजत या अली आपकी हजत न कभी उसका भूसा बना न कभी उसकी धार जब वो कुंद हुई हमेशा आपकी हजत वज़नी है लिहाजा अगर कोई कहे कि जनाब अमीर ने जो जिंदगी में उनके साथ नासाफियाँ हुई जो जनाब अमीर बसम हुए जौर हुए ये क्या दलील दी जनाब अमीर ने दलील नहीं होगी तभी तो सामने वाले ने यह काम किया ये जुमला कह रहा है आपने हर दफा जो नारवा सितम हुए आप पर आपने अपनी हुज्जत को बयान किया और कभी भी ऐसी हुज्जत नहीं थी जो ढीली थी कमजोर थी जिसकी धार कुंद हो, तेज धार थी वो तेज धार का मतलब क्या है सामने वाले के इस्ताल को काट दिया उसने कभी कमजोर बात नहीं की वलम यजग कलबुक कभी भी आपका दिल टेढ़ा नहीं हुआ जैग वलम तजुफ बसीरतुक बसीरत कहते हैं कि सही चीज को डिटेक्ट करना यह जनाब अमीर मोहमिन के बारे में कभी भी आए अमीर अमीर मोमिन आपकी बसीरत कमजोर नहीं हुई लिहाजा ये जुमला है कि जो इस जियारत में हमको मिलता है वलम तजम नफ़सुक। कभी आपके नफ्स में बुजदिली के असर पैदा नहीं हुए कभी भी जब बाईस बरस के थे ना पहली जंग हुई है उस वक्त तो समझ में आती है बुजदिली की कोई जगह नहीं है ना घर है ना धर है ना बीवी है ना बच्चे हैं मर जाओ शहीद हो जाओगे माँ भी मर चुकी है बाप भी मर चुका है बहादुर हैं आप मर गए शहीद हो गया कोई बड़ी बात नहीं है बड़ी बात समझाने के लिए कह रहा हूं लेकिन एक दफा आपके बीवी बच्चे हैं सत्रह बेटियाँ है, अट्ठारह बेटे हैं दुश्मन सामने हैं मर गए इनके लिए कुछ आपने कुछ किया है कि नहीं किया क्या फैक्टर्स इजाफा हो रहा है मुसलसल जैसे जनाब अमीर की जिंदगी आगे बढ़ रही है दुश्मनियों के डायमेंशन चेंज हो रहे हैं दुश्मनियों के एंगल चेंज हो रहे हैं जनाब अमीर खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरी मौत के बाद जो होगा वो होगा क्या ये इंसान को थोड़ा सा पीछे आने पर मजबूर करता है थोड़ा सा कैलकुलेशन के ऊपर मजबूर करता है गम तजमसुख जर्र बराबर कभी भी जब बाईस बरस के थे जब दस बरस के थे जब सात बरस के थे जब पचास बरस के थे जब साठ बरस की उम्र में खिलाफत मिली वह अट्ठावन बरस की उम्र में खिलाफत मिली कभी भी नफ्स में रूह में जर्र बराबर बुजदली के आसार नहीं है वलम तख्र खर्रा या खर्र का मतलब क्या है कि जब बिल्डिंग मुनहदिम होती है दर्र से तो खर्रा कुरान के अंदर भी यह है लफ्ज़ जो शिर करता है मयूश बिल्ल फ़कान खर्र मिनसम जो शिर करता है ऐसा है कि जैसे आसमान से ज़मीन पर गिर पड़ा आसमान से ज़मीन पर गिरना अलग है दस फीट से ज़मीन पर गिरना अलग है दस फीट से जब इंसान ज़मीन पर गिरेगा ना समझ में नहीं आया कब खोपड़ी फूट गई लेकिन जब आसमान से गिरता है ना तो दहशत होती है नीचे देख रहा होता बिल्डिंग है बिल्डिंगे हैं गाड़ियां चल रही हैं कब मैं जाकर ज़मीन पर गिरूँगा वो जो एक दो मिनट का जो लम्हा है ना तीस हजार फिट से जो गिरेगा आसमान से कुरान कह रहा है बड़ी दहशत का लम्हा है तो यहां पर कहा जाए वलम तखुर अली कभी भी आपकी शख्सियत मुनहदिम नहीं हुई डिमोलिश नहीं हुई आप चुरमुराए नहीं अंदर से कभी भी कितने खतरनाक हालात आए कभी भी लम तखुर कभी आप गिरे नहीं धड़ाम से जैसे ऊपर से कोई परिंदा छोड़ दे गिरे नहीं कुंत का जबल ला तहर्रकवास आप पहाड़ की तरह थे तूफान जितना भी चले पहाड़ नहीं हिलता अपनी जगह से अच्छा मोमिन के बारे में भी यही सिफत है कि मोमिन पहाड़ की तरह होता है वह कुंत का मकाल अमन सूफी सोहबत एक वजात या लोग जो आपके साथ मुसाहबत में आते थे ना और जो आपके हाथ के नीचे आ जाता था वो अम्दान में होता था यानी किसी को फिर उसमें लालच नहीं होगी कि मैं इसको कोई नुकसान पहुंचा दूं अब इसकी तशरी आ रही है जयीफ अनफी बदन एक कवी अनफी अमर आपका बदन कमजोर था क्या मतलब कमजोर था बदन कमजोर का मतलब यह है कि जो ताकतें जनाब अमीर ने दिखाई वो इस बदन की नहीं थी कि जो जौ की रोटी खाए और खट्टे दही के साथ छुआरे खाए ये उसकी ताकत नहीं थी ज़़़ईफ़न फ़ी बदन एक जो कमालत आप दिखाते थे उसके लिहाज से आपका बदन कमजोर था कवि अनफी अमरल्ला लेकिन खुदा के हुक्म को जारी करने के सिलसिले में मजबूत थे कवि थे ताकतवर थे मुतवाज अनफी नफसिक आपके अंदर तकबुर नहीं था आप अपनी ज़ात में मुतवाज़े थे क्या मतलब इस बात का यानी अपने आप को किसी मकाम पर मत समझना अपने आप को किसी बुलंद मरतबे पर मत देखना और क्या ना कि खुदा की तरफ से खुद नहजुल बलागा में फरमाया कि मैंने बड़े बड़ों को कत्ल किया मारा ज़मीन चटवा दी बिनाजद अक्रमन लाहुबा ये सब का सब उस बुजुर्गारी और बड़ाई की वजह से था बहादरी की वजह से था जो खुदा ने मुझे इज्जत के साथ अता फ़रमाई तोहफ़े के तौर पर अजीम आंद अपने नफ्स में आप हकीर थे खुदाए मैं कुछ नहीं हूं लेकिन खुदा कहता था अली तू सब कुछ है अजीम खुदा की बारगाह में अजीम थे अपनी बारगाह में मुतवाजे थे कबीर अनफिलस ज़मीन पर आप कबीर थे इसका मतलब क्या है यानी कोफे में चलते तो कहते थे भाई अली बहुत बड़ा आदमी है नहीं गुजर जाते थे लोगों को पता भी नहीं लगता था कभी ज़मीन पर अगर खुदा देखेगा तो अली से बड़ा उसको कोई नहीं दिखेगा कबीर अनफिलस जलीला नंदल मोमिन मोमिन के सामने आप साहिब जलालत थे अजमत थी हैबत थी जो साहेब ईमान था वो आपको पहचानता था लमजकुन आहदी का महमजुन। कोई आपकी जात के सिलसिले में किसी के पास कोई महमज नहीं थी ये महमज क्या होती है आपने सुना होगा महमीज एक चीज होती है घोड़े की रकाबों में लगती है या कभी कभी जो घोड़े चलाते हैं उनके जूतों में होती है एड़ी के पीछे और जब वो चाहता है घोड़े को भगाना तो वह अपनी एड़ियों को मारता है घोड़े के पेट में घोड़े के पेट में वो चुपती है महमीस जो सितारा नुमा होती है नोक निकली हुई होती है और वो घोड़ा तेज़ दौड़ता है ये महमीस अच्छा अब यहां पे जुमला कह रहा है लम यकुन लहदनफी का महमजुन कोई भी शख्स आपके सिलसिले में महमज़ नहीं रखता था क्या मतलब कोई भी आपका जिक्र किसी बुराई के साथ नहीं कर सकता आप कहेंगे कि लोगों ने बुरा तो कहा है कि अली नमाज पढ़ते थे तो कर दिया देखिए झूठ बोलने को तो कोई भी शख्स बोल सकता लेकिन अगर वो ज़्यादा जनाब अमीर को देखेगा तो उसको कोई बुराई नज़र नहीं आएगी लम ले खुद लहदी का कोई शख्स आपके बारे में बात नहीं कर सकता था कि वो यूप के जरिए या आप कभी किसी की पीठ पीछे कोई ऐसी बुराई नहीं करते थे कि जिसको गीबत, या बुराई में शामिल किया दोनों कहा जा सकता है लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये कि कोई भी शख्स समाज का आपके बारे में आपकी शख्सियत को देखने के बाद आपके बारे में कोई ऐब नहीं कर सकता और ऐब नहीं लगा सकता या उन महफिलों में जहाँ पर लोगों के अजूब का जिक्र हो जनाब अमीर की कोई जगह नहीं है उस महफिल में वहाँ पर ऐब अली का नहीं गिनवाए जा सकते वलालफी का मखमजुन मखमज़ कहते हैं गमज़ यानी आंखों का इशारा यानी जब भी कोई बुरी बात कहे तो आपकी तरफ वो आंख का इशारा भी नहीं कर सके उंगली का इशारा भी नहीं कर सके आपकी ज़ात सिवाय अच्छाई के इशारे के किसी और इशारे की मुस्तक नहीं, नहीं है कोई बुराई ना गुफ्तु के जरिए ना इशारे के जरिए जनाब अमीर के बारे में नहीं कही जा सकती और अब अगला जुमला है बाज़ जगह पर है बाज़ जगह पर नहीं है लेकिन वला ले वलाफी का मतमा आपकी जात में किसी को कोई लालच रखने की जगह नहीं थी यहां पे जाहिर सी बात है कि लालच रख सकता है इंसान कोई गलत बात के सिलसिले में बात हो रही है कोई भी शख्स गलत काम के सिलसिले में आपसे लालच नहीं रख सकता वाला का हवादा हवादा कहते हैं सुकून मेल यानी झुक जाना रुख्सत यानी इजाज़त है हवादा कहते हैं किसी को सुकून नहीं था कोई इसमें झुकाव नहीं रखता था किसी को रुखसत इजाज़त नहीं थी कोई ख़ुद ये नहीं समझता था कि मैं अली के सामने हर बात कर लूँगा हर काम कर लूंगा लोग खुद जनाब मोमदीन की हैबत को देखकर अपने लिए बाउंड्रीज़ को बना लेते थे कौन सी गलत बात क्या सबको पता था गलत बात नहीं हो सकती इस बात पे तवज्जो कीजिएगा